108 जीयर स्वामी जी महाराज की, श्री श्री 108 जीयर स्वामी जी महाराज की। नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम राम कृष्णांग्र सर्वक्त विश्वक्षेन मुनि भज। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव जैसे इन पावन प्रांगण में आप सब लोग हैं, इसी प्रकार सृष्टि के प्रारंभ में महर्षि ब्रह्मा जी ने पूरे सृष्टि के विस्तार करने की इच्छा से, उस समय सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ था। एक कथा उस समय की है जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है। सृष्टि प्रारंभ कब से हुई है? शायद आधुनिक विचारकों के समय तो आपने याद कर लिया हो, आप जानते होंगे ईस्वी सन कितना है 2021 याद होगा। इस्लाम दर्शन कब का है ये भी आपको याद होगा, सिख दर्शन कब का है ये भी आपको याद होगा, लेकिन सनातन धर्म कब का है शायद वहां तक हमारी पहुंचने में स्थिति नहीं है। याद रखिए जब से ये सृष्टि है कब से है, 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है, ये सनातन सृष्टि है। जब से सृष्टि है तब से ज्ञान है, ये भी जानना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा और दुनिया जो भी है वो विचार है दर्शन है, लेकिन सनातन परंपरा जो है ये भगवान श्रीमन नारायण द्वारा अपना प्रारंभ हुआ है 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। अपने आप में इतना पुराना कोई नहीं है, इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिससे ब्रह्मा जी सृष्टि का प्रारंभ करने के लिए उनको आज्ञा हुआ सत्य काम सत्य संकल्प से भगवान द्वारा प्रकट जो ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी को हुआ कि अपने आप में सृष्टि आप करिए, ब्रह्मा जी के सृष्टि का मटेरियल हमारे पास रहे कहाँ से हम सृष्टि प्रकट करें। इसीलिए बचाइए ना कोई अभिभावक गार्जियन किसी कहे भैया अपना घर मकान फ्लैट बना लो, या कोई आपका पैसा हो नहीं फ्लैट बनाने के लिए मटेरियल ना हो कहाँ से बना पाएंगे। ब्रह्मा जी को पता ही नहीं था क्या करें, आज्ञा तो हो गई सृष्टि का विस्तार करने के लिए, कैसे सृष्टि करें। उस समय ज्ञान ही उनको प्राप्त हुआ, शिक्षा ही प्राप्त हुआ। एक बात तो और मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये दुनिया जो है ज्ञान पर ही टिकी हुई है। आज भले हम और आप कह देते हैं कि ज्ञान है क्या चीज, ज्ञान वह राष्ट्र की विश्व की सृष्टि की वह एक तेज है, वह एक पुंज है, वह एक शक्ति है जिसके द्वारा हम राष्ट्र को समाज को अपने को जानने के लिए सक्षम होते हैं। इसी को अपने आप में ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान माने केवल इतना आप जानते हो हम समझते हैं उतना ही ज्ञान ही होता है, ज्ञान से अलग दुनिया में कोई चीज होता ही नहीं है। पहले के लोग उस मध्यकालीन लोग संदेह करते थे, महाराज कहते हैं आप लोग कि हनुमान जी पत्थर के हैं, राम जी पत्थर के हैं, कृष्ण भगवान पत्थर के हैं, नरसिंह भगवान अपने आप पत्थर के, बावन पत्थर के, इनके द्वारा क्या मिलता है, क्या इनके द्वारा कुछ मिल सकता है। लेकिन आज के इस लेटेस्ट हाईटेक के युग में ऐसी प्रश्न आपके द्वारा होना उपयुक्त नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। और तो आप जान गए होंगे रेल क्या है, जड़े न है, लेकिन आप दिल्ली से बैठते हैं और इस टाटा नगर में आ जाते हैं, रांची में आ जाते हैं, हावड़ा पहुंच जाते हैं। जब ये जड़ जो है अपने आप में दिल्ली से चढ़ करके और आपको हावड़ा बंगाल तक पहुंचा सकती है, जमशेदनगर पहुंचा सकती है, ये हो सकता है कि नहीं। आप जहाज पर बैठते हैं वो जड़े तो है, यहां से लेकर आपको बंबई पहुंचा देती है, मुंबई पहुंचा देती है, ये क्या है। कैसे आप अपनी बाइसिकल पर बैठते हैं वो भी तो जड़े है। अरे किसी अपने आप में खनिज तत्वों द्वारा लोहा द्वारा कुछ अपने स्टील द्वारा से बनाया गया है और क्या है। इस गाड़ी पर आप बैठ ट्रक पर चलते हैं वो भी तो जड़े है। तो ये क्या है, ये सब ज्ञान के ही कमाल है, ये विज्ञान के ही कमाल है। आज इस विज्ञान और ज्ञान के कारण एक जड़ को भी हम चलाने के लिए क्षमता रखते हैं, तो ठीक वही बात है। अगर कहीं साधक लोग साधना करने वाले लोग
आज के युग में उन्हें आविष्कारक कहा जाता है, उन्हें वैज्ञानिक कहा जाता है। आप सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि वो अपने अपने कक्षा में चले जाएं और शांतिपूर्ण ढंग से कोई शोरगुल ना करें, डिसिप्लिन्ड वे में, जो हमारे एनएसयू की एक पहचान है।